Hello my friends, I hope you all are doing good. So today in this video what we are going to learn about an economic term. Ek economic term jo hum aaj padhne wale hain, that is the MSF. Now you can see on your screen that marginal standing facility. So now what we are going to see about this, we are going to see what is this. मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एक ऐसी स्टैंडिंग फैसिलिटी है जो आरबीआई के द्वारा 2011 में ईजाद करी गई थी, यानी प्रपोज्ड करी गई थी, पोस्टुलेट करी गई थी, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। वो ऐसा क्यों, देखिए बैंक्स जो होते हैं, शेड्यूल बैंक्स या कमर्शियल बैंक जो हम बोलते हैं, ठीक है, जैसे कि एसबीआई और भी अदर जो बैंक्स हैं, अब उनमें जब लिक्विडिटी क्रंच की समस्या आती है ना, तो वहाँ पर वो इंटर बैंक जो है ट्रांजेक्शन करते हैं। ये जो इंटर बैंक ट्रांजेक्शन है, वहाँ पर जो अदर बैंक्स हैं, यानी एक मानकर चलिए एक बैंक ए है, एक बैंक बी है, तो वहाँ पर ए बैंक के पास जो है पैसा खत्म हो चुका है, लिक्विडिटी क्रंच उसके पास है, ठीक है, वहाँ पर उसको पैसे की बहुत ज़्यादा कमी पड़ रही है, तो वो जो है ना बी बैंक के पास जाएगा और वहाँ से वो पैसा लिया करता था। तो वहाँ पर जो बी बैंक है उसको पैसा देने पर जो है ना वो एक इंटर बैंक जो इंटरेस्ट रेट होता है ना वो लागू करा करते थे, यानी बैंक जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लागू करा करते थे, तो उससे मतलब लगाया करते थे, जो बी बैंक है ना पैसा दे रहा है ए बैंक को, वो बी बैंक बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट जो है ना उस पे मतलब लगाता था पैसे पर। तो यहां पर इस चीज को कहीं ना कहीं खत्म करने के लिए, इस चीज से टैकल करने के लिए, या इस चीज को कहीं ना कहीं रिड्यूस करने के लिए आरबीआई ने 2011 में ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है ना ईजाद करी, प्रपोज करी, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें क्या होता है कि आरबीआई जो है ना ओवरनाइट के लिए जो बैंक में लिक्विडिटी क्रंच है, जो बैंक कहीं ना कहीं एक तरीके से कैश में जो है अपनी जो प्रॉब्लम है फेस कर रहा है, तो वहाँ पर जो फेस जो वो कर रहा है ना प्रॉब्लम, उस चीज़ को कहीं ना कहीं मिटिगेट करने के लिए आरबीआई जो है ओवरनाइट के लिए यहाँ पर पैसे देता है, ठीक है, बैंक्स को। मगर यहाँ पर जो है ना जो रेट होता है वो जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट रेशो, यानी रेपो रेट जो होता है उससे कहीं ज्यादा होता है, ठीक है। तो यही होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, यानी अगर एक तरीके से इमरजेंसी में जो बैंक होते हैं वो क्या नाम है, क्या करते हैं, आरबीआई जाकर पैसा लेते हैं। मगर यहाँ पर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में क्या होता है कि यहाँ पर बैंक्स के द्वारा जो एसएलआर है ना, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के लिए, जो डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होती हैं, गोल्ड कैश वगैरह जितनी भी चीज़ें होती हैं वो रखी जाती हैं, एक तरीके से आरबीआई के द्वारा ये सारी चीज़ें सुनिश्चित करी जाती हैं। बट यहाँ पर आरबीआई के पास यही सारी चीज़ें जब बैंक जो है प्लेज करते हैं और इनके बदले वो पैसे लेते हैं, मगर रेपो रेट में जब बैंक्स आरबीआई से पैसा लेते थे तो वहाँ पर क्या हुआ करता था कि आरबीआई जो है ना, यानी आरबीआई जो बैंक है, बैंक सॉरी नॉट आरबीआई, बैंक्स जो है ना, बैंक्स को अपनी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मेंटेन करने के बाद अगर उनके पास कोई सरप्लस बच रहा है, गोल्ड कैश वगैरह अगर उनके पास ये चीजें सरप्लस में हैं, तो वो उसके 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 अगेंस्ट क्या है कि बैंक से आरबीआई से यानी सेंट्रल बैंक से पैसा ले सकते थे। बट यहां पर जब बैंक ऑलरेडी इमरजेंसी यानी लिक्विडिटी क्रंच में है, तो यहां पर वो एसएलआर यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के लिए जितनी भी चीजें उसने रख रखी हैं, बचाकर रख रखी अपने पास, तो वो उन सारी चीजों के अगेंस्ट आरबीआई से पैसा ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है, इस मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में। तो आपको कैसी लगी वीडियो, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, ठीक है, और वीडियो करते थे लाइक, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में एक और नई इकोनॉमिक टर्म के साथ, तब तक के लिए विदा लेना चाहूंगा, जय हिंद।